अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, स्पेशली माई न्यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और आज की वीडियो में आपको हम लेके जा रहे हैं कॉजवे ब्रिज, जो कि दुनिया का तवील तरीन ब्रिज है और ये सऊदीया और बहरीन को आपस में मिलाता है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे दुनिया का तवील तरीन ब्रिज, और बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए बारिश भी। और तो चलिए देखते हैं दुनिया का तवील तरीन ब्रिज जिसका नाम है कॉजवे ब्रिज। जी तो हम लोग पहुंच गए हैं टोल गेट पर, जहां पर हम पे करेंगे 25 रियाल, और उसके बाद हम दाखिल हो जाएंगे उस ब्रिज पर जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया। तो ये टोल गेट है और यहाँ 25 रियाल हमें पे करने होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरे सऊदीया में ये वाहिद एक ही टोल गेट है जिसका हमें टैक्स हमें देना होता है, वरना पूरे सऊदीया में कहीं भी कोई टैक्स नहीं है, टोल गेट नहीं है, सिर्फ़ एक ये सड़क है, ये रोड है जहाँ पर हमें पे करना होगा 25 रियाल। वाओ, फाइनली हम पहुँच गए हैं उस ब्रिज पर, और ये है वो कॉजवे ब्रिज। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, मौसम इतना हसीन हो रहा है, ऊपर से ये ब्रिज आप देखें, दोनों तरफ समंदर और बीच में से ये ब्रिज जा रहा है। बहुत खूबसूरत ब्रिज, बहुत खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये ब्रिज जो है वो कि दुनिया का तवील तरीन एक तो ब्रिज है, 25 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ये, और ये तकरीबन 16 साल की प्लानिंग के बाद इस ब्रिज को जो है वो बनाया गया। 5 साल इसको बनाने में लगे इस ब्रिज को, यानी कि 1986 में इसकी ओपनिंग हुई, इसका इफ्तिताह हुआ, और 86 से ये ब्रिज जो है वो तिजारत के लिए ओपन हुआ। और वाकई बहुत बहुत खूबसूरत ब्रिज है ये, आप देख सकते हैं दोनों तरफ समंदर है, और समंदर के बीच में से ये ब्रिज जो है वो जा रहा है। और इस वक्त मतलब मौसम की वजह से, बादल की वजह से, मैं आपको कैमरे की आँख जो है वो उसको नहीं दिखा पा रही है प्रॉपर, जो इसका व्यू है ना वो बड़ा हसीन है, जो हम इंसानी आँखें उसको इस वक्त देख सकती है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको इसका नज़ारा दिखाऊं, जो ये इसका जो व्यू है, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से जो है वो सही से कैमरे में ठीक से वो नहीं दिखा पा रही मैं आपको। और बहुत हसीन मंज़र, बहुत खूबसूरत ब्रिज। तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से ब्रिज नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। बच्चे
मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि सिर्फ 25 रियाल में हम ये नज़ारा जो है वो देख रहे हैं। फ्राइडे, ऊपर से छुट्टी का दिन है, ऊपर से बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से रमजान जी फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस समंदर की जिस पे से हम गुज़र रहे हैं या जिसके ऊपर से ये ब्रिज जो है वो जिसके ऊपर बना है। इस समंदर को रेड सी कहा जाता है, यानी कि बहरा अहमर। तो बहरा अहमर के बारे में अगर आपको पता हो कि ये दुनिया की मसरूफ़ तरीन आबी जो गुज़रगाह है, यानी बहुत सारे समंदर से इसका रबता है और तजारत का बाइस भी है। तो ये समंदर जो है वो बहरा अहमर कहलाता है, यानी कि रेड सी। फ़ाइनली हम दाखिल हो गए हैं बहरीन में, और यहाँ से बहरीन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ब्रिज ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और बहरीन की हदूद स्टार्ट हो जाएगी, किंगडम ऑफ बहरीन। बारिश होती रही जितनी देर हमारा प्रोसेस चलता रहा, बारिश यहाँ पे कंटिन्यूस होती रही और बहुत हमने इन्जॉय किया। आज फ्राइडे है और रमज़ान है और बहुत ही मज़ा आया। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रेड सी साहिल समंदर पर, और यहाँ से मैं आपको करीब से ये समंदर जो है वो का नज़ारा आपको कराऊंगी और उस ब्रिज को भी दिखाने की कोशिश करूंगी जिस ब्रिज पर से भी हम गुज़र कर आए हैं। कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। जब फ्लावर भरा हो जाएगा इसलिए पानी आ रहा है इसके पास। ब्यूटीफुल व्यू। ब्रिज देखो बच्चों, जी तो फ्रेंड फाइनली मैं आपको ये ब्रिज दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, मेरे कैमरे ने इसको कैप्चर कर लिया है और यहाँ से ये ब्रिज बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। कितना खूबसूरत ये ब्रिज है, बीच में से बिल्कुल उठा हुआ है ये, क्योंकि नीचे से जो है वो शिप्स गुजरते हैं, तो बाकायदा शिप के लिए जो है वो इसको इस तरह से उठा के बनाया गया है ताकि ईज़िली शिप यहाँ से नीचे से गुज़र सकें। और देखा आपने कितना खूबसूरत लग रहा है ये। जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। हमने भी ये ब्रिज आज फर्स्ट टाइम देखा है और हो सकता है आप लोगों ने भी इसको फर्स्ट टाइम देखा हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।